हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल पालक। दाल पालक ये एकदम सिंपल रेसिपी है, जिसके लिए हमें लगेगा ये एक पालक की जुड़ी मैंने ली है, जिसे अच्छे से वॉश करके बारीक कट करके लिया है। और एक वाटी हमने दाल ली है, अरहर की दाल, जिसे भी हमने कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करके लिया है। ये एक छोटे साइज का प्याज है, जिसे बारीक कट करके लिया है। 10-12 हमने लहसुन की कलियां ली है, जिसे भी हमने एकदम बारीक चॉप करके लिया है। 3 हमने रेड चिली ली है, 1 चम्मच हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ली है। ऑयल लगेगा हमें सब्जी बनाने के लिए। नमक हमने लिया है 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमने दाल में नमक डाला है इसलिए 1/2 टीस्पून नमक लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है। 3 हमने छोटे साइज के ग्रीन चिलीज बारीक चॉप करके ली है। ये जीरा है और ये राई है, जो हमें ऊपर से तड़का देने के लिए लगेगी। और ये 1 चम्मच हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। तो आइए शुरू करते हैं दाल पालक बनाना। गैस पे कढ़ाई रख के हमने 2 टेबलस्पून ऑयल उसमें डाल लिया है। ऑयल में हम ये प्याज डालेंगे, जिसे हमने एकदम बारीक चॉप करके लिया है। प्याज को हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद ये हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये 1 टीस्पून हमने दोनों मिल के लिया है, ये हम इसमें डालते हैं। गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे। ये हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। एक 2 मिनट के लिए हम चिली और जो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है उसको भी थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद में हम नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर इसमें डालेंगे। इसके साथ में ही हम ये जो कट किया हुआ पालक है ये इसमें ऐड करेंगे और पालक को अच्छे से हिलाते हुए हम मिक्स करेंगे। दो 2-3 मिनट हम पालक को पका लेंगे। ये हमने 2-3 मिनट पालक को भी अच्छे से बाकी सब चीज़ों के साथ में पका लिया है। अभी हम ये जो हमने 1 वाटी डाल लिया था अरहर का, जिसको हमने नमक डाल के बॉईल करके लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। आपको जैसा थिकनेस चाहिए दाल पालक का, उस हिसाब से आप दाल इसमें ऐड कीजिए। एकदम थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून। गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे।
ये हमारी सब्जी अभी पक चुकी है तो इसे हम साइड करते हैं और दूसरी कढ़ाई गैस के ऊपर रख लेते हैं। ये दूसरा कढ़ाई हमने रख लिया है, इसमें हम अभी तड़का बनाएंगे। ये मैंने 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल लिया है। और इसमें हम ये 1 क्यूब बटर डाल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल और बटर गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। हमारे राई और जीरा चटकने लगा है। अब इसमें हम ये हींग डालेंगे और साथ में ही ये जो लहसुन हमने बारीक करके लिया था ये इसमें ऐड करेंगे। अभी गैस का फ्लेम हम धीरे से रखेंगे, कम कर देंगे। और लहसुन को अच्छे से हम पका लेंगे बटर और ऑयल में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लहसुन अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और ये जो हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया था ये इसमें ऐड करेंगे। और साथ में ही ये हम 3 मिर्चें जो हमने ली थी वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। अभी ये जो तड़का हमने बना के लिया है इसे हम जो सब्जी हमने बना के ली थी उसके ऊपर डालेंगे। ये सब्जी का कढ़ाई वापस से मैंने मेन गैस पे ले लिया है। अभी इसे हम 1-2 मिनट वापस से अच्छे से पकने देते हैं और वो तड़का जो हमने बनाया है ये इसके ऊपर डाल लेते हैं। ये हमारी सब्जी वापस से अभी एक बार गर्म हो चुकी है। अभी हम इसके ऊपर ये तड़का डाल देते हैं। ये तड़का जो हमने कढ़ाई में बना के लिया है इसको हम इसके ऊपर डाल देते हैं। पहले मैं गैस हम बंद कर देंगे और इसको ढक के रखेंगे 2 मिनट के लिए। यह हमारी दाल पालक की सब्जी देखिए आप कितनी अच्छी बनी है। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।